हेलो स्टूडेंट ऑफ एर्थ क्लास, आई होप ऑल ऑफ यू ओके। वी आर स्टडिंग रूलिंग द रूरल एरिया, योर थर्ड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री। एंड इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट द सिस्टम दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर इन 1764, यू नो दैट इन 1765 in the treaty of Allahabad that gave the right of Diwani of Bihar, Bengal and Odisha, and after that when British got Diwani of Bihar, Bengal and Odisha, they started to exploit the land resource, natural resource, and for higher benefit, for higher improvement in their wealth, they try to make different policies that how to rule, how could they rule the ruling area, rural area. In that process they made many different revenue collection method and rules, and we have studied what in previous video we have studied what about Ijardari system. इजारदारी सिस्टम देन परमानेंट सेटलमेंट देन रेत वाली सिस्टम एंड फोर महाल वाली सिस्टम। दीज फोर सिस्टम वर इंट्रोड्यूस्ड फॉर रूलिंग द रूरल एरियाज by this system. This system were about the collection of revenue. Okay, Ijardari system in 1772 permanent settlement in 1793 and Rayatwadi in 1822. In Ijardari system, that was contract-based system. In permanent settlement, that just about Jamidari system. One landlords and controlled a large amount of land. And Rayatwadi system, Rayat payment paid direct tax to the government. And in Mahalwadi system, some group, Mahal it means group villages and group of villages, they are collectively responsible for paying tax to the government directly. In this today's class, we will try to understand some commercial crop. This were system. ये system जो थे ये दैट वर टोटली रिलेटेड अबाउट देयर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, बट क्या उनकी पॉलिसीज और भी थी जो रूलिंग एरिया को रूल करने के लिए, उसको भी थोड़ा सा हम स्टडी करते हैं। कैश क्रॉप, देखिए फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या होता है इसको हमें जानने की ज़रूरत है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज हैपेंड एंड स्टार्टेड इन ब्रिटेन। व्हाट इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? व्हेन प्रोडक्शन, मींस ऑफ प्रोडक्शन, व्हेन फैक्ट्रीज एंड मशीन टेक प्लेस ऑन द हैंडमेड सिस्टम। तो मतलब जब इंसान बनाता था, इंसान अपने हाथों से प्रोडक्शन करता था, उसकी जगह को मशीनों ने ले लिया। अब इन्वेंशन ऑफ ए लॉट ऑफ डिफरेंट मशीन्स एंड टूल्स, तो इनका इन्वेंशन होना क्या होता था,
की दो चीज़ें हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब ज़्यादातर काम इंडस्ट्री में होने लगा, इसलिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसमें क्या हो गया कि मैक्सिमम प्रोडक्शन होने लगा, मैक्सिमम प्रोडक्शन समझने का प्रयास करना, मैक्सिमम नीड ऑफ रॉ मटेरियल। इफ बाय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन प्रोडक्शन इज मैक्सिमम, इट मींस नीड ऑफ रॉ मटेरियल विल आल्सो इंक्रीज। तो इन सर्चिंग ऑफ दीज रॉ मटेरियल ब्रिटिश हैव टू गो टू सर्च इन अनदर रीजन। अब वहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो थी, जो बेस्ड थी क्रॉप्स पर, यानी एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज जो थी, उनके लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत जो थी, उनके लिए रॉ मटेरियल की जो ज़रूरत थी वो भारत से ज़्यादा प्रोडक्शन कर लेने की ज़रूरत थी रॉ मटेरियल। तो उस इंटेंशन से आगे क्या होता है कैश क्रॉप के बारे में देखिए। कैश क्रॉप कौन सी, जैसे टी हो गई, कॉफ़ी हो गई, इंडिगो हो गया, जूट हो गया, सीड हो गया, शुगर केन हो गया, मलबरी हो गया, रबर हो गया, इन सब का फैक्ट्री में क्या होता है, अपना अपना डिमांड होता है। और वहाँ के जो प्लांटर थे, वहाँ के जो लोग थे, आकर के यहाँ पर एग्रीकल्चर करवाते थे, और एग्रीकल्चर करवा करके यहाँ के रॉ मटेरियल को क्या करते थे, वहाँ बाहर ब्रिटेन में जा करके बेच दिया जाता था। तो बेच करके एक मैक्सिमम प्रॉफिट का सिस्टम अपना चलता रहता था। अब कुछ क्रॉप्स जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, कुछ जो मेजर आपके जो मतलब जो मेजर चीज़ है वो है इंडिगो को लेकर के प्रॉब्लम जो हुई थी, उसको हम उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। अब ये ज़्यादातर जो ये जो इंडिगो केरला में जूट प्रोसेसिंग जो यूनिट थी, इनकी जो बिहार में बंगाल में और केरला में, ठीक है, नील की, पप्पी की, जूट की प्रोसेसिंग जो यहाँ पर सेटअप की गई कंपनियाँ, और जो प्लांटर्स थे इन प्लांटेशन के, ये ट्राइबल्स लैंडलेस लेबर को बहुत कम सैलरी पे वर्क पे रख करके अपना काम करवा लेते थे, और इस तरीके से अपना जो एक इनका जो शोषण था, एक्सप्लॉयटेशन था, ये चलता रहा। मतलब सिंपली समझो, इंडस्ट्री में ज़रूरत है रॉ मटेरियल की, उस रॉ मटेरियल के लिए कहाँ पर आ रहे हैं, भारत में। भारत से यहाँ के लोगों को बहुत कम दाम पे हाई और ज़्यादा टाइम पे मिनिमम वेजेस पे काम करवा करके प्रोडक्शन करके अपने विदेश में बेच के अपने वहाँ बेच करके ले जा करके मैक्सिमम प्रॉफिट कर रहे हैं। इंडिगो के बारे में एक मेजर वो है इंडिगो। इंडिगो का मतलब होता है नील की खेती। इंडिगो मतलब होता है नील। नील एक नेचुरल डाई है जो प्लांट से मिलती है। इंडिगो एक नेचुरल डाई है जिसका प्रयोग ब्रिटेन में या यूरोपियन कंपनियों के टेक्सटाइल इंडस्ट्रियों में कपड़ों को रंगने में काम किया जाता था। तो भारत में नील की खेती बहुत अच्छे पैमाने पर होती थी, प्रोडक्शन इसका बहुत ज़्यादा होता था। जब पता लगा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रियों में नील का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर डाइंग फाइबर्स, तो वहाँ के जो ट्रेडर्स थे, काफ़ी लोग यहाँ एक प्लांटर बन करके कि एक खेती करवाने के लिए उसको यहाँ पर आ करके आते थे और खेती करवाते थे, और खेती करवा कर करके हाई रिटर्न, बढ़िया प्रॉफिट लेकर के यहाँ के लोगों को सस्ते में मजदूरी दे करके, सस्ते में कर करके, और इस तरीके से वहाँ अपनी खेती अपना करता रहते थे। सिस्टम जो था इंडिगो प्रोडक्शन का, उसको देखते हैं। सिस्टम ऑफ जो इंडिगो प्रोडक्शन था वो दो तरीके से था। एक तरीके से था तो या तो किसान को सब कुछ टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करा देना और किसान खेती करें। देखिए, एक रेत सिस्टम था जिसमें रेत से एक एग्रीमेंट होता था। दो सिस्टम था। सिस्टम ऑफ इंडिगो प्लांटेशन, अगर हम सिस्टम ऑफ इंडिगो प्लांटेशन की बात करें, सिस्टम ऑफ इंडिगो प्लांटेशन, इंडिगो प्लांटेशन की बात करें तो एक रेत सिस्टम था,
रेत सिस्टम, सेकंड जो था वो निज सिस्टम था, निज निज सिस्टम, ठीक है, निज सिस्टम। इसमें देखिए क्या होता था, इसमें एक एग्रीमेंट होता था, रेत सिस्टम में किसान से एक एग्रीमेंट होता था कि आप इतने अमाउंट पे आप प्रोडक्शन करोगे, इतने अमाउंट में आप प्रोडक्शन करेंगे, और उस प्रोडक्शन में ये लोग क्या करते थे, प्लांटर जो थे उनको प्रोवाइड करते थे सीड, टूल्स, वेल कल्टीवेटर हैड टू ग्रो, टेक केयर ऑफ द क्रॉप। और कल्टीवेटर को सिर्फ क्या करना रहता था कि क्रॉप को सिर्फ देखभाल करनी रहती थी और ये सब पूरा चीज़ें प्रोवाइड कराते थे। लेकिन इसमें बराबर प्रॉब्लम ये भी थी कि उनको एग्रीमेंट हो जाने के नाते उस फिक्स लैंड पर इस नील की खेती को करना ही रहता था, बाद में वो अदर फूड ग्रेन क्रॉप्स का प्रोडक्शन नहीं कर पाते थे क्योंकि वो सॉइल जो थी वो उसकी फर्टिलिटी, जो नेचुरल फर्टिलिटी, बहुत ज़्यादा मात्रा में ख़त्म हो जाती थी। निज वाले सिस्टम में वो था कि कल्टिवेट द प्लांटेशन, प्लांटर जो थे ब्राट एंड रेंटेड लैंड टू ग्रो इंडिगो। ये क्या करते थे, एक जो ये पूरा वो एक लैंड होता था इसको क्या करते थे, रेंट कर देते थे या खरीद लेते थे, ठीक है, किराए पे ले लेते थे और इस पर प्लांटेशन का करते थे अपना वो। अब उस पर लोगों को मजदूर रख करके अपना काम करवाते थे कि एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ये भी रहता था। और इस तरीके से कई मेथड से अपना ये लोग प्लांटिंग करते रहते थे और एक्सप्लॉयटेशन और खेतों को बर्बाद करते रहते थे, ठीक है। खेत बीच में जो फील्ड थे उसकी नेचुरल जो फर्टिलिटी थी वो ख़त्म हो जाती थी। अब इससे क्या होगा कि लोगों की फूड शार्टेज हो जाएगा, इन सबसे क्या हो जाएगा, फूड शार्टेज होगा कि नहीं पहले बताइए, फूड शॉर्टेज होगा कि नहीं। इसलिए होगा क्योंकि दे आर नाउ अनेबल टू प्रोड्यूस फूड ग्रेन, नील को तो कोई पिएगा नहीं, कोई खाएगा नहीं, तो नील की खेती कंपलसरी है, वो लैंड बेकार हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम आने लगेगी। तो इससे क्या होने लगा, रिवेलियन, एक रिवोल्ट भी देखने को हमें मिलता है इतिहास में जगह जगह पर अलग अलग तरीके से। तो इंडिगो रिवेलियन में देखो सबसे पहले जो होता है इंडिगो रिवेलियन 1859 और 1869 में, ठीक है, इंडिगो रिवेलियन 1859-60 में एक रिवेलियन होता है, ठीक है, एक रिवेलियन होता है इंडिगो। उसमें क्या होता है, लोग जो यूरोपियन प्लांटर थे जो एक्सप्लॉइट कर रहे थे, जो किसान को एक बहुत उसमें धकेल दिए थे, और वो जो गोमास्ता जो एजेंट होते थे, गोमास्ता आप 10th क्लास में पढ़ोगे, एजेंट्स होते थे जो इंडिगो प्लांटर और ट्रेडर के बीच में काम करते थे, ठीक है, ये सब इनको इन पे अटैक किए और डिस्ट्रॉयड की इंडिगो फैक्ट्री के। वोमेन भी इसमें इस रिवेलियन में वोमेन भी काफ़ी पार्टिसिपेट की थी, ठीक है, अगेंस्ट इंडिगो प्लांटर। और सरप्राइजिंग एस्पेक्ट ऑफ रिवेलियन दैट वाज इट गॉट द सपोर्ट फ्रॉम द बंगाल एजुकेटेड क्लास, ये बंगाल के एजुकेटेड क्लास से भी सपोर्ट पाए, हु हैड अदरवाइज शोन नो इंटरेस्ट इन अर्लियर पीजेंट मूवमेंट, जो पहले कभी किसी किसान आंदोलन में कोई वो नहीं थी, जैसे अभी किसानों का आंदोलन हो रहा तो कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं कर रहा, तो इन फ्यूचर हो सकता है किसानों के लिए लोग खड़े हों, क्योंकि किसी को आपके काम कापी कलम किताब के बिना चल सकता, लेकिन भोजन के बिना नहीं चल सकता, ठीक है। एट द सम प्लेसेज द लोकल जमींदार और विलेज के जो हेडमैन थे जो हुअर फोर्स टू साइन कॉन्ट्रैक्ट विथ इंडिगो प्लांटर, जो इंडिगो प्लांटर के, वो भी लोग क्या किए, किसानों को एक साथ करके मोबिलाइज किए, और मोबिलाइज करके ऑफिशियल और गवर्नमेंट के जो इंटरवेनर थे, जो गवर्नमेंट थे उनके अगेंस्ट खड़े हुए, लेकिन बाद में लोगों ने इसको, गवर्नमेंट ने और गवर्नमेंट के ऑफिशियल ने इसको क्या किया, अपने अंडर कंट्रोल किया, ठीक है। एक इंडिगो कमीशन सेटअप हुआ, इंडिगो सेटअप होने के बाद फिर ये प्रोविजन किया गया कि इंडिगो प्लांटेशन जो है, इंडिगो का प्रोडक्शन जो है, दैट नॉट बी फोर्स्ड, कि मतलब वो फोर्स नहीं किया जाएगा, कंपलसरी नहीं रहेगा, अगर लगता है कि किसानों को करना चाहिए तो किसान लोग कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक और 1868 में होता है, एक 1868 में भी होता है,
66 से 68 के बीच में ये दरभंगा और बिहार में भी इंडिगो अलग अलग जगहों पर सभी जगहों पर लगभग लगभग होता रहता है। लेकिन धीरे धीरे जब नेचुरल डाई जर्मनी की नेचुरल डाई बनने लगती है नेचुरल डाई, तो नेचुरल डाई के बनने से क्या होता है कि जो हमारे यहाँ जो इंडिगो का प्लांटेशन हो रहा है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो धीरे धीरे कम हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ पैमाने पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन में होती रहती है बिहार और झारखंड के एरिया में, इधर पश्चिमी थोड़ा बंगाल में ये इंडिगो प्लांटेशन होता रहता है। और फिर बाद में आपको याद होगा, आपको बता दें कि लगभग 1917 में लास्ट में चंपारण में भी इंडिगो प्लांटेशन के एक्सप्लॉयटेशन को लेकर के महात्मा गांधी वहाँ जाते हैं और चंपारण सत्याग्रह करते हैं। लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे जब सत्याग्रह पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इस चैप्टर में रूलिंग द रूरल एरिया का मतलब है कि ब्रिटिश कैसे रूरल एरिया को रूल किया। रूरल एरिया इट मीन्स एग्रीकल्चर। चलिए एग्रीकल्चर पूरा लिख दे रहा है, एग्रीकल्चर को कंट्रोल करना। रूलिंग का मतलब सिर्फ वो नहीं होता है कि मतलब शासन कर रहे हैं, दबदबा बनाना। रूलिंग का मतलब होता है हर एक सिस्टम को कैसे कंट्रोल किया जाना। तो एग्रीकल्चर को कैसे इन्होंने कंट्रोल किया, कैसे रेवेन्यू को कंट्रोल किया, कैसे इनके प्लांटेशन को कंट्रोल किया, कैसे प्रोडक्शन को कंट्रोल किया, सब कुछ, ठीक है। उसमें जो भी सिस्टम आए, सिस्टम को आपको याद रखना है ब्रीफ में, और ये कौन कौन इंट्रोड्यूस किया, क्या किया, उसको भी आपको याद रखना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।